पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, मलेशियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाइसेंस मुस्तनद होने की तस्दीक पर 18 पाकिस्तानी पायलट्स को बहाल कर दिया है। मलेशिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि पाकिस्तानी लाइसेंस रखने वाले मकामी एयरलाइंस में मुलाजिमत करने वाले पायलट्स के लाइसेंस मुस्तनद होने की तस्दीक कर दी गई है, जिसके बाद CAAM ने मलेशिया में तमाम मुअत्तल 18 पायलट्स को बहाल कर दिया है। रवा माह के आगाज में मलेशिया के एविएशन रेगुलेटर्स ने पाकिस्तानी लाइसेंस रखने वाले और मकामी एयरलाइंस में मुलाजमत करने वाले तमाम पायलट्स को आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया था और पाकिस्तानी पायलट्स को काम से रोक दिया था। PIA की परवाजों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। पार्लियामेंट में वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 262 पायलट्स ने मशकूक लाइसेंस हासिल कर रखे हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक के एविएशन हुकाम ने वहां काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और इंजीनियर्स की डिग्री की तस्दीक तलब की थी।